असली वीर वही है हार पकी हो और कर्ण के द्वारा युद्ध में उतर जाए। और बारहवीं में कितना नंबर था? 462। बारहवीं में आप बिहार टॉपर थे जी। क्या रैंक था? 8। आपको गर्व होता है कि हम बिहार टॉपर हैं? गर्व काहे न होगा, गरीब आदमी के लिए कि यही रास्ता है, पढ़ लिख के ही आगे बढ़ सकते। ऑनलाइन पढ़ते हैं जी? किससे पढ़ते हैं ऑनलाइन? खान सर। खान सर पटना क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने? आर्थिक अभाव के कारण। खान सर नहीं होते तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। क्वालिटी के साथ नहीं हो पाता। शिक्षा वो सोनी का दूध है, पिएगा वो दहार देगा सीधे। गरीब है इसके लिए दुख नहीं है। यदि हम गरीब है, अगर मेहनत करके जीवन में आगे नहीं बढ़े, मतलब ये दुख है, गरीबी दुख नहीं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वही बनेगा जो पढ़ेगा और जो उसके लायक है वही बनेगा। आर्थिक अभाव है फिर भी हम, मुझको विश्वास है हम कुछ करने के लिए, हम मतलब मेरा जन्म हुआ, हम कुछ करके दिखाएंगे। खान सर से पढ़ाते हैं कि वो बहुत सस्ते में पढ़ा देते हैं और अच्छे तरीके से चीजों को समझाते हैं। अच्छा, इसके बाद पटना उठना जाने का मन नहीं करता आपका? मन तो करता है लेकिन कैसे जाए। अभी हम बिहार के समस्तीपुर के एक ऐसे लड़के से मिलाने जा रहे हैं मित्रों, जो एक छात्र है और जिसकी प्रतिभा इतनी अच्छी है कि शायद आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन उस स्टूडेंट की मजबूरी आपको दिखाने जा रहे हैं कि टॉपर होने के बावजूद भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली और आज वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सोचिए कि दसवीं में स्कूल टॉपर और बारहवीं में बिहार टॉपर और घास फूस के घर में ये लड़का आज भी पढ़ने पर मजबूर है। अब आप इनके घर की स्थिति आप देख पाएंगे। ये एक जो छान छप्पर का घर है उसी में रहकर छोटू जो है पढ़ाई करते हैं। सोचिए कि वो लड़का इस घर में रहता है और मजबूरी में रहता है जो एक समय बिहार टॉपर था। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। छोटू कुमार दसवीं में कितना नंबर था? 463। और बारहवीं में कितना नंबर था? 462। बारहवीं में आप बिहार टॉपर थे जी। क्या रैंक था? 8। पूरे बिहार में 8। बारहवीं में आप टॉपर थे जी जी। और इसके बाद कोई सरकार मदद उदद नहीं किया जी? नहीं। क्या बनना चाहते हो आप? डीएसपी। डीएसपी बनना चाहते हो? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप? अभी फाउंडेशन क्लास कर रहे हैं। फाउंडेशन क्लास जी। छोटू के पास इतना पैसा नहीं है सर कि ये जाकर पटना जो है ऑफलाइन क्लास लेकर तैयारी कर सके। ऑनलाइन पढ़ते हैं जी। किससे पढ़ते हैं ऑनलाइन? खान सर। खान सर से पढ़ते हैं या ऑनलाइन? खान सर की बहुत सारी यहाँ पर किताबें हैं, ये देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान का, ब्लैंक मैप का, इसके बाद जो है ये टेस्ट बुक है, विश्व का, भूगोल का किताब है, भारतीय राज व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध है, मैप एल्टस ग्लोबल है, ये खान सर का जो है पूरी किताब है और खान सर से ये लड़का पढ़ता है। ऑनलाइन पढ़ते हैं जी। कितना रुपया देते हैं? मतलब फाउंडेशन क्लास से फीस फी होता है। हाँ। मतलब 200-400 रुपया हुआ, पे करके मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ता है महीने महीने, उससे पढ़ रहे हैं। उससे पढ़ते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि खान सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है जी? और लोगों से कहीं नहीं पढ़ते हैं? खान सर से पढ़ाते हैं कि वो बहुत सस्ते में पढ़ा देते हैं और अच्छे तरीके से चीजों को समझाते हैं, इसीलिए खान सर से पढ़ रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, अगर खान सर नहीं होते तो ये जो है आपको इस प्रकार की शिक्षा मिल पाती? ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। हाँ जी। मतलब खान सर नहीं होते तो शायद से इस तरीके की शिक्षा आपको इतने कम पैसे में मिल पाती? इतना क्वालिटी में नहीं मिल पाता इतने कम पैसे में जी। यानी खान सर ने क्वालिटी दी है, कम पैसे में क्वालिटी और कंटेंट और कंटेंट दोनों दिया है जी जी। अच्छा ये बताइए जो है पटना क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने? आर्थिक अभाव के कारण। आर्थिक अभाव जी। आपको गर्व होता है कि हम बिहार टॉपर हैं? गर्व काहे न होगा, फिर भी जो है पढ़ने के लिए पैसा नहीं है जी। सोचिए कि इनके पास जब ज्यादा पैसा नहीं था तो ये बिहार टॉपर हो गए, और अगर इनकी ढंग से कोई मदद करे, समस्तीपुर का कोई नेता समाज से भी इनकी मदद करे, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये यूपीएससी बीपीएससी की एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है, अगर हार भी पक्की हो फिर भी असली वीर वही है, हार पक्की हो और कर्ण के द्वारा युद्ध में उतर जाए। असली वीर वही है। हाँ। जी। मतलब आर्थिक अभाव है फिर भी हम, मुझको विश्वास है हम कुछ करने के लिए, हम मतलब मेरा जन्म हुआ, हम कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए बाबू, कितना रुपया फीस जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन टोटल महीने का? मतलब ऑफलाइन में तो ये कॉपी किताब जो जाता है रिचार्ज है, उसके बाद ऑनलाइन जो ब्याज का दाम वही जाएगा। कितना रुपया लगभग? ये कहने से मतलब जितना ब्याज लेंगे उतना, जैसे एक ब्याज का दाम हुआ 400-500 तो उसे। ये रुपया आता कहाँ से है, कौन देता है आपको पढ़ने के लिए? मतलब कुछ काम भी करते हैं उसे भी हो जाता है, और बाकी बात मिला था स्कॉलरशिप में, उसके बचा बचा के कर रहे हैं। पढ़ाई के बाद जो समय बचता है उसमें आप मजदूरी दिहाड़ी भी करते हैं क्या? करते हैं। मतलब मजदूरी भी करते हैं पढ़ाई करने के लिए जी। अच्छा आपको पढ़ने के लिए और कौन पैसा देता है? मतलब मम्मी पापा देवे करते हैं। पापा मम्मी क्या करते हैं?
मजदूरी करते हैं, सब मजदूर हैं जी। और मजदूर का बेटा जो है बिहार टॉपर बन गया था जी। और लेकिन स्थिति ये है कि आज जो है इस तरीके के घर में ये रहने पर मजबूर है जी। अच्छा ये बताइए, उस वक्त सरकार कोई मदद नहीं किया जी? नहीं। अच्छा बिहार मान लीजिए टॉपर कोई हो रहा है तो उसकी मदद होनी चाहिए ना, सरकार का कोई स्कीम होना चाहिए कि टॉपर है तो उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाए, खर्च उठाए, ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं। टॉपर हुए तो डीएमओ साहब बुलाए थे जी? नहीं, नहीं बुलाए थे। सोचिए कि टॉपर है और गर्व तो इनको टॉपर होने का भी है लेकिन दुख भी है कि टॉपर तो हो जाते हैं बच्चे पढ़े लिखकर, लेकिन सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है कि टॉपर टॉप 10 बच्चों को जो है वो ढंग से पढ़ाए, उसकी फीस का व्यवस्था मुहैया कराए, ऐसा कोई नीति नहीं है। और यही कारण है कि टॉपर बच्चे भी जो है वो पिछड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए पढ़ लिखकर गरीब का बच्चा टॉप किया है तो कम से कम सरकार की नीति होनी चाहिए कि उसको पढ़ाने के लिए उसका कम से कम खर्च उठाए, लेकिन सरकार वो भी नहीं करती है जी। नहीं। अच्छा किसी से उम्मीद है कि हमको पढ़ाएगा लिखाएगा हम आगे बढ़ेंगे? उम्मीद है। अच्छा ये बताइए 12वीं में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आया था? संस्कृत हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। पॉलिटिकल इन सब में सब नंबर ज्यादा आया था, 95+ नंबर था। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? मतलब फाउंडेशन क्लास कर रहे थे फिजिक्स का। फिजिक्स का क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स में? त्वरण पढ़ रहे थे। त्वरण पढ़ रहे थे जी। अच्छा इसके बाद पटना उटना जाने का मन नहीं करता आपका? मन तो करता है लेकिन कैसे जाए। अच्छा ऑफलाइन आपकी पढ़ाई हो तो जो है और बेहतर कर पाएंगे? ऑफलाइन बहुत बेहतर हो जाए। ऑनलाइन बेहतर है आपके लिए ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन है जी। तो ऑफलाइन जो है नहीं जाते हैं करने, कैसे जाएंगे? यहाँ से पटना जाने के लिए मतलब बहुत जरूरी पड़ता है पैसे की, इसलिए नहीं जा पाते हैं। मतलब पैसे का अभाव है जिसकी वजह से पढ़ाई ठप पड़ी है जी। चलिए ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, कौन सा गांव हुआ आपका? राघोपुर। राघोपुर। इस वक्त हम लोग गांव में थे और इनकी जब हम कहानी सुने तो हम रोक नहीं पाए अपने आप को कि इनकी कहानी जो है वो दिखाने का प्रयास किया जाए कि एक समय का टॉपर आज किन परिस्थितियों में जो है ये बच्चा जो है जी रहा है और कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा है। खान सर का भला हो कि वो इतने कम रुपए में वो ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं और यही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं, और यही कारण है कि जो गरीब असहाय पीड़ित मजदूर किसान के भी बच्चे थे उन तक भी उनकी सुविधाएं बुनियादी तौर पर पहुंच रही है और वो भी पढ़ पा रहे हैं। यस सर। खान सर नहीं होते तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, क्वालिटी के साथ नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। माई बाप ही नहीं बोलते हैं कि सब छोड़ दीजिए या बोलते हैं कि पढ़िए हम मदद करेंगे पूरा? कभी कभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मम्मी पापा? मतलब पढ़ाई छोड़ देना जी। आप क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नहीं, पढ़ाई कैसा चीज है, मानिए कि हम अभी इंटर पास कर दिए, कुछ नहीं कर सकते। गांव का जो अभी रीति रिवाज है, कोई भी अभी पढ़ाई छोड़ देता है कम से कम लेबर में खटेगा, लेबर में खटेगा, लेकिन बैठिए बैठिए एक अगर मजदूर है लेबर में काम कर रहा है, वो बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सब आठ एक मसाला मिलाएगा, हर चीज करेगा, सूता साहुल भी मिला लेगा, लेकिन उसको माइंड में बैठा हुआ है कि हम मिस्त्री बनिए नहीं सकते हैं। सब कुछ कर लेगा मिस्त्री, कोई पढ़ा लिखा रहेगा देखेगा 5-6 महीना के अंदर हर चीज करेगा, काहे ना हम बनेंगे, एकदम बनेंगे मिस्त्री, मिस्त्री बन जाएगा। मिस्त्री बन जाएगा तो वो सोचेगा ठेकेदार बनल, ठेकेदार कैसे बनेगा, ठेकेदारो बन जाएगा, उसके बाद वो देखेगा इंजीनियर बिल्डर बन जाए, मतलब पढ़े लिखे के स्टेबल नहीं, मतलब रह ही नहीं सकता स्टेबल, पढ़ा लिखा रहेगा, यही बहुत खराबी है पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा का सोच डेवलप होते रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब आप मजदूर हैं तो मिस्त्री बनिएगा, मिस्त्री है तो जो है ठेकेदार बनने का सोचेगा, ठेकेदार है तो बिल्डर, बिल्डर है तो कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर है तो जो है मालिक, मालिक है तो जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी का हम मालिक कैसे बन जाए, मतलब यही समझा रहे। तो पढ़े लिखे की गलती, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए सबको। पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई मतलब जरूरी है, संसाधन नहीं है फिर भी पढ़ाई हो सकती है क्या? हो सकती है, अगर चाह ले तो हो जाएगा। आपके पास संसाधन नहीं फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ये किताबों के पास बैठकर पढ़ रहे थे, यानी सोचिए कि दोपहर का समय है और ये अपने छान छप्पर में, अपने टेंट और घर में, इस तरीके के तंबू में ये किताबों का ठीहा लगाकर, अंबार लगाकर पढ़ रहे हैं। इनके पास जब पहुंचे तो इनकी कहानी सुनकर हम भावुक हो गए और हमको लगा कि इनकी कहानी पूरे बिहार को दिखानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो कभी टॉपर हुआ करता था वो आज जो है कहीं ना कहीं संसाधनों की वजह से परेशान है, पीड़ित है और पढ़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन संसाधन और धन पैसा नहीं है। शायद से अगर अच्छा धन है होता, इनके पास पैसा होता तो ये अच्छे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज और कोचिंग में पढ़कर आज अच्छा नाम कर रहे होते, करते या नहीं करते? एकदम कर। दुख होता है कि पैसा नहीं है, गरीब हूँ, इस चीज का दुख है?
गरीब है इसके लिए दुख नहीं है। यदि हम गरीब है अगर मेहनत करके जीवन में आगे नहीं बढ़े मतलब ये दुख है, गरीबी दुख नहीं है। गरीबी दुख नहीं है जी, दुख इस बात का है कि गरीब होते हुए अगर गरीब होकर मर जाए तब दुख है। जी जी है? जी गरीब होकर गरीब नहीं मरना है जी, गरीब होकर कुछ करके मरना है जी जी, इस बात का खुशी है जी। पिताजी वैसे दिहाड़ी मजदूरी में कितना कमा लेते हैं? अभी जितना चल रहा है 200-300-400 वही होता है, वो सब दिन थोड़ी होता है देहात में। मैं बिहार सरकार और तमाम सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि टॉप 10 में जो टॉपर आए 10वीं 12वीं में उसका पढ़ाई का जिम्मा बिहार सरकार का ये दायित्व बनता है कि उठाए जब तक वो कुछ बन न जाए और जब तक वो पढ़ना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे टॉपर बन जाते हैं लेकिन टॉपर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ को फूल माला और गमछा पहनाकर स्वागत कर दिया जाता है और इसके बाद टॉपर बनने के बाद उसकी जिंदगी भर जो है सरकारें उसको भूल जाती है। अच्छा हम आपको बीपीएससी का तैयारी करने के लिए पटना लेकर चलें और हम आपका पूरा खर्चा उठाएं तो आप तैयार हैं? जाएंगे जाएंगे जी पक्का जी। मतलब अगर हम किसी छोटे मोटे कोचिंग संस्थान में, कोई छोटा मोटा नहीं होता, आपका बुद्धि छोटा होता, पढ़ाने को सबको ही वैसा पढ़ाता है, बस आप अर्जित कितना करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कहीं आपका एडमिशन वगैरह अगर मान लीजिए बात करते हैं और हो जाए तो वहां पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इनकी मदद करने का प्रयास करेंगे और समस्तीपुर के इस गांव के आसपास से जो लोग हैं मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इनके घर पर पहुंचकर इनकी मदद कीजिए, मिसाल बनिए, मिसाल पेश कीजिए समाज के लिए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो पढ़ेगा आज उसके लायक है वही बनेगा। अब राजा का बेटवा राजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब राजा कौन बनेगा? जो हकदार होगा, हकदार होगा। आप हकदार हैं? है ना तो है, हम आप हैं हकदार जी, तो राजा बनिएगा। बनेंगे ना आज नहीं तो कल, पक्का पक्का कंफर्म कंफर्म में है तो हाँ। इतना विश्वास कैसे है? विश्वास अंदर से, क्यों? कि उतना हम मेहनत करते हैं हाँ। जी अपनी मेहनत, अपने लगन, अपने इच्छा शक्ति, अपनी कामयाबी पर भरोसा है जी। जब कुछ नहीं थे तब तो टॉपर बन गए पूरे बिहार में जी, लाखों बच्चों के बीच में जी, आठवां हासिल रैंक हासिल जी। तो आप तो टॉपर हैं, आप तो करके दिखाएंगे जी। जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं हाँ। देखिए गरीब आदमी के लिए कि यही रास्ता है, पढ़ लिख के ही आगे बढ़ सकता है, कहता नहीं शिक्षा वो सोनी का दूध है, पिएगा वो दहार देगा सीधे। चलिए इस शिक्षा रूपी दूध को ये पीने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि दहाड़ेंगे भी, कहे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अंबेडकर साहब ने कहा था, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आप दहाड़ेंगे पक्का जी। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, कोशिश हमारी रहेगी कि इनकी मदद करें लेकिन कोशिश आपकी भी होनी चाहिए कि इनकी मदद हो। कौन सा गाँव हुआ पूरा पता बताइए? पोस्ट वार राघोपुर, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर। जिला समस्तीपुर, थाना विभूतिपुर और पोस्ट राघोपुर, गांव राघोपुर, पंचायत भी राघोपुर और गांव भी राघोपुर जी।